सिविक सेंटर स्थित प्रगति भवन ओए बिल्डिंग में लोगों को मतदान करने जागरूक करने को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी माध्यमों से लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई। लोगों को मतदान करने प्रेरित करने के उद्देश्य से ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टाउनशिप क्षेत्र के रहवासियों को विभिन्न माध्यमों से मतदान करने, अपने मत का उपयोग करने प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रगति भवन ओए बिल्डिंग में ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों, जोनल प्रतिनिधियों के अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी भी शामिल हुए। ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अपने मतों का उपयोग कर मतदान करने की अपील की, साथ ही स्वयं मतदान कर दूसरों को भी मतदान करने जागरूक करने की बातें कही। आयोजन की जानकारी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने दी। नमस्कार, आज हम ऑफिसर्स ब्लास्ट प्लांट प्रगति नगर भवन में आज हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हमारे आने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपने मतदाताओं को जागरूक करने का एक प्रयास है। हम लोगों ने आज यहाँ एक गीत संगीत का एक कार्यक्रम रखा है 3M टीम के माध्यम से, जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ एक टीम बनी हुई है जो हमेशा इस तरह कार्यक्रम को संचालित करती है। तो आज 7 बजे से ये कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग अपने जितने श्रोतागण आएंगे, जो हमारे मेम्बर्स आएंगे, उन सबको एक ही संदेश देना चाहेंगे कि मतदान हर जगह, जहाँ पे भी आप हों, जिस बूथ पे भी आओ, 100% सुनिश्चित करने का हम प्रयास करें। एक जागरूकता इस लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा त्यौहार है, उसको मनाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। ऑपोजिशन ब्लास्टिंग प्लांट इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई प्रोग्राम्स किए हैं, शपथ आयोजित किया गया, इससे पहले हमारी जितनी मीटिंग्स हुई उसमें हम लोगों ने इसमें प्रयास किया कि हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के माध्यम से, हमारे ऑफिस बिरियर्स के माध्यम से यह संदेश सबको दिया जाए। कल जिला स्टील प्लांट ने एक मानव श्रृंखला बनाई, उसमें भी हमारे 100 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये हमारा प्रयास है कि इस शहर में सभी मतदाताओं तक हमारा संदेश जाए। हम सब एक मिलकर प्रयास करें कि 100% मतदान हो। कल के मानव श्रृंखला का प्रयास था उसमें, और हम लोग ने भी, क्योंकि हम भी प्रबंधन के एक्सटेंडेड आर्मी हैं, तो हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो हम लोग ने अपनी कमेटी ने डिसाइड किया है कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अब वहाँ जैसे हमारे प्लांट में जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको जोड़कर उनसे ये अनुरोध करेंगे कि आप मतदान में भाग लें, और मतदान में भाग लेने के बाद अपना फोटो जरूर भेजें। तो ये इससे ये सुनिश्चित होगा कि वो भाग लेते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक लोगों ने दृढ़ निश्चय किया है वही के माध्यम से कि जितने भी हमारे जनरल रिप्रेजेंटेटिव, हर डिपार्टमेंट से हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसको हमने जिम्मेदारी दी है कि सब अधिकारियों को जोड़े, और हर अधिकारी को बोले वो कर्मचारियों को जोड़े। तो जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं, ये फायदा हुआ पिछले चुनाव से अब चुनाव तक, क्योंकि सभी के पास एक नया स्मार्टफोन है और सब आजकल सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि लोगों को बोला गया कि भैया मतदान करके अपना फोटो जब से भेजें। तो आज की तारीख में एक अच्छा कंसेप्ट है कि लोग मतदान केंद्र पहुंच के बाहर खड़े होकर अपना फोटो भेजते हैं। तो ये सरकार भी प्रयास कर रही है, निर्वाचन आयोग प्रयास कर रहा है, तो हम लोग का एक दायित्व बनता है, ऑपोजिशन एक जिम्मेदार संगठन है, उसका दायित्व बनता है कि हम अपने सभी मेंबरों के माध्यम से इस पूरे अंचल में ये मैसेज जरूर दें कि मतदान शांतिपूर्वक हो और सब मतदान करें। 100% मतदान होने से इस जो हमारा एक 5 साल बाद एक उत्सव आता है, और एक अच्छा उत्सव क्योंकि दिवाली के समय भी आ रहा है, एक अच्छा खुशनुमा माहौल है, उस माहौल को और खुशनुमा बनाने के लिए 100% करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और भिलाई कहीं शुरू से छत्तीसगढ़ का एक बुद्धिजीवी केंद्र रहा है, तो इस भिलाई को तो ये सिद्ध भी करके दिखाना है कि 100% 100 से कम स्वीकार नहीं है, 100% मतदान जो अगर होता है तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हम सब बना पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और पूरा प्रयास हमारा जारी है इसके लिए। जो शहीद हुए
कार्यक्रम में ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव परविंदर सिंह, कोषा अध्यक्ष अंकुर मिश्रा, जोनल प्रतिनिधियों के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।